बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्राई कस्टर्ड पुडिंग बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे एक बार बनाइए, एक बार बनाएंगे तो सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों के लिए तो ये फेवरेट है, तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे बनाना है। बहुत आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम पैन लेंगे और फ्लेम को हम ऑन नहीं करेंगे। पहले हम पैन में डालेंगे एक अंडे की जर्दी है, पीला वाला पार्ट है, इसे लेना है। फिर साथ में हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के शक्कर। शक्कर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी नमक है, बहुत थोड़ा सा नमक इसमें डालना है। और फ्लेम ऑन नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही मिक्स करते जाना है जब तक कि ये शक्कर में ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए अंडा। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से, तो ये देखिए ये अच्छे से शक्कर इसमें मिक्स हो जाएगी। तो फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर है, तो ये कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं ये ले लेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे जो कि है 250 ml। 1 कप भर के हमें दूध डालना है और फ्लेम को अभी बिल्कुल ऑन नहीं करना है। तो ये देखिए दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे और विस्क से इसे मिक्स करेंगे। जब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो जब इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे जब तक हमें इसे मिक्स करना है। और ये देखिए मिक्स हो गया है, तो फिर अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे बस लगातार हमें चमचा चलाते रहना है और इसको ठीक होने तक पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। चमचा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बहुत जल्दी इसमें गांठ बन जाएगी। तो इसमें हम 2 ड्रॉप डालेंगे वेनिला एसेंस का, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूर से एसेंस को डालें। और ये देखिए हाई फ्लेम पे पकते पकते ये काफ़ी ठीक होने लगा है। तो देख इस स्टेज पे बहुत जल्दी जल्दी से हमें हाथ चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे और ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए बस जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट में ये अच्छा सा ठीक हो जाएगा। ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और एक हम किसी भी टिफ़िन या फिर डब्बे वगैरह में जिसमें आपको सेट करना है उसमें इसे सेट कर लें। और देखिए हम इसमें सारा इसमें ऐड कर देंगे ये कस्टर्ड और इसे चम्मच से इवन कर देंगे और इसे काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसे फ्रीज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। और फिर 2 घंटा हो चुका है, ये देखिए हमारी पुडिंग बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो नाइफ से इसे साइड से अलग कर लेंगे और इसके ऊपर प्लेट रख के उल्टा करके इसे निकालेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाती है, ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी पुडिंग बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। तो ज़रूर से इसे ठंडा करें, गरम गरम बिल्कुल भी इसे निकालेना। और इसे आप चाहे जैसे जितने छोटे या बड़े शेप में कट करना चाहते हैं कर लें। तो ये देखिए इस तरह से मैं इस शेप में कट करूँगी और ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए फिर से हम पैन को गरम करेंगे। पैन अच्छे से हमारा गरम हो जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और बटर को बस अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर जब हमारा हल्का हल्का सा मेल्ट होए, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम इसमें अपनी पुडिंग एक एक करके ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। फिर ये देखिए एक एक करके हमने इसे ऐड कर देना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बस 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट बाद देखिए हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी दिख रहा है। तो बस इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है, ये इतना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। और ये देखिए दोनों तरफ से ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ये बिल्कुल भी सर्व करने के लिए तैयार है। तो देखिए ज़बरदस्ती हमारी फ्राइड पुडिंग, कस्टर्ड पुडिंग बनकर तैयार है। ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। रेसिपी कैसी लगी हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।